हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग आ गए हैं लेकर के आपके लिए एक नया लेक्चर हिस्ट्री का। हमारा मैथ्स ऑलरेडी चल रहा है और अभी हिस्ट्री भी मैं लेके चल रहा हूँ साथ में। अब बहुत जल्द आपके लिए लाइफ साइंस भी स्टार्ट होने वाला है, फिर से कंटिन्यू होगा और फिजिकल साइंस भी। आई होप फिजिकल साइंस को मैं अभी कुछ डेट 10 मई है तो फिजिकल साइंस आई होप मैं 20 मई के बाद से शूट करना स्टार्ट करूँगा। अभी 10 दिन जो यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ इसमें मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर्स, लाइफ साइंस और हिस्ट्री, इन तीनों पे काम करते हैं। उसके बाद 20 तारीख के बाद से मैं फिजिकल साइंस के भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाना शुरू कर दूँगा। तो निश्चिंत रहें, जैसा मैंने आपसे वादा किया कि सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, वो भी बहुत ही बढ़िया अंदाज में, एकदम कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस तक क्लियर करते हुए। और अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं भाई अच्छे तरीके से ना, पॉइंट टू पॉइंट मुझे फॉलो करते हैं वन बाय वन, तो मेरी ये गारंटी है कि आपका रिजल्ट अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, ये तो फिर आप पे भी डिपेंड कर, थोड़ा बहुत मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। और बाकी आप बताइए आपका क्या हाल चाल है। मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी भी, आप सीधा मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पर जो कि हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है। हमने हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दिया है। देन उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स के बारे में बात कर ली है। अब जो थर्ड लेक्चर हमारा होने वाला, आज हम बात करेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और किस तरीके से उन्होंने सिर्फ उतना ही एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जिसकी जरिए वो हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाए रख सकते थे, और इसके जरिए वो सिर्फ ऐसे लोगों को पैदा कर सकते थे जो बिना किसी सवाल के उनके बताए हुए काम को करे। तो ऐसा ही कुछ उनका मकसद था और वो अपने मकसद में काफ़ी तरीके से कामयाब भी हुए, और उसी मकसद के तहत वो 100 साल ज़्यादा और हुकूमत कर पाए। खैर, तो वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया, हम लोग स्टार्ट करते आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो देखो, साल था 1813 में अंग्रेजी हुकूमत एक चार्टर एक्ट इशू करती है। उस चार्टर एक्ट में ये लिखा होता है कि हर साल 1,00,000 रुपए ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इंडिया में दिए जाएंगे एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए। मतलब उन्हें सिंपल बोला कि हम 1,00,000 रुपये आपको हर साल देंगे, आप एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, एजुकेशन को इम्प्रूव करें और लोगों तक एजुकेशन पहुँचाएं। उस ज़माने में 1,00,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। अगर आज के टाइम से अगर हम कंपेरिजन करें तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ से भी ज़्यादा का वैल्यू वो रख सकता है, अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात था। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आना चाहिए कि भाई अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेज 1,00,000 रुपये क्यों दे रही है हिंदुस्तान में एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए दे रही है। तो कहीं ना कहीं उसका अपना ही मकसद रहा होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके पीछे उनका अपना पर्सनल कोई प्रॉफिट ना हो। उनका अब नेचर ही वैसा, खैर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं ना, छोड़ो। ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है आपके लिए एक्स्ट्रा, आप इसको याद कर लेना, यहाँ से सवाल अब डायरेक्टली बनते हैं। ये उनका चार्टर एक्ट में लिखा हुआ बात था और आप डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात तो यहाँ पर हो गई, उन्होंने बोले 1,00,000 रुपये हम दे देते हैं। अब थोड़ा सीनेरियो हम समझते हैं कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान नहीं आए थे तो उससे पहले एजुकेशन का क्या सीनेरियो था। देखो, जब हिंदुस्तान अंग्रेज नहीं आए थे तो उससे पहले सीनेरियो बिल्कुल क्लियर था कि हिंदुस्तान में सिर्फ मदरसा कायम थे आपके, और मदरसा के अलावा हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक मतलब सिर्फ ऐसे ही एजुकेशनल जगह थी जहाँ पर सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन दिए जाते थे। यानी कि जैसे मंदिर में आपको हिंदू मजहब से रिलेटेड दिए जाते थे आपको एजुकेशन, मस्जिद वगैरह में आपको मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से रिलेटेड दिया जाता था, इस तरीके से। मतलब सिर्फ और सिर्फ मजहबी एजुकेशन तक ही वो चीज़ें महदूद थी, ठीक है। उसी का यहाँ नतीजा है कि 1781 में कलकत्ता मदरसा बना था और 1791 में संस्कृत कॉलेज बना था, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने एंट्री मारा तो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड हुआ, और उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए उन्होंने 1,00,000 रुपये प्रति साल देने का वादा किया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ ये कि लोग दो हिस्सों में बढ़ गए, और वो इस हिसाब से बटे कि एक ग्रुप का ये कहना था कि भाई हम अंग्रेज़ी हुकूमत के जो एजुकेशन लाए, यानी कि अंग्रेजी एजुकेशन को हम नहीं मानेंगे, हम उसके अगेंस्ट जाते हैं, हमें अपना ट्रेडिशन एजुकेशन ही चाहिए जो हमारा एज इट इज़ चलता आ रहा है। लेकिन दूसरे ग्रुप ने ये कहा कि नहीं, हमें अंग्रेज़ी जबान को सीखना चाहिए, हमें उनकी एजुकेशन को सीखनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक उनकी जबान को नहीं सीखेंगे तब तक हम उनसे नहीं लड़ पाएंगे। इनका ये पॉइंट था। तो ये दो पॉइंट्स दो अलग अलग ग्रुप के थे और इसी बुनियाद पर दो अलग अलग ग्रुप बन गए। अब जो लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ पर लागू ना हो, हम अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन को, यानी कि जो रिलीजियस एजुकेशन हम देते आ रहे हैं वही हमारा कंटिन्यू रहे, उस ग्रुप को हम लोगों ने एक प्यारा सा नाम दिया है ओरिएंटलिस्ट। हम लोगों नहीं दिया, मतलब वो उस वक्त वही कहलाए थे, उसको हमने बोला ओरिएंटलिस्ट। और ओरिएंटलिस्ट के एक फेमस लीडर का नाम है H.H. विल्सन, ये इस ग्रुप को लीड कर रहे थे।
दूसरी तरफ जो ग्रुप ये चाहता था कि अंग्रेजी जबान अंग्रेजी तालीम आए, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो इंडिया में, उन ग्रुप को एंग्लिसिस्ट कहा जा रहा था, जिसमें सबसे मेन लीडर की अगर मैं बात करूँ जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसका सपोर्ट कर रहे थे एज अ इंडियन परस्पेक्टिव, वो थे राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो तो अंग्रेजी थे, उनका सपोर्ट करना तो जाहिर सा बात है। लॉर्ड मेघालय की तरफ हम थोड़ा देर बाद में आते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो मसला तो यहाँ पर खड़ा हो गया ना, गवर्नमेंट भी पगला रही है कि किस चीज़ को हम लागू करें, ट्रेडिशनल एजुकेशन ही चले कि अंग्रेजी एजुकेशन, उनका तो मेन टारगेट था कि वेस्टर्न एजुकेशन ही लाए। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में हमारे लॉर्ड मैकैले साहब को बुलाया गया। लॉर्ड मैकैले साहब उस कमेटी में आए, एज ए सेक्रेटरी बन करके आए, उनको लाया गया। उन्होंने एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक प्रेजेंटेशन पेश किया, कुछ भी आप बता सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन उन्होंने पेश किया जिसको नाम दिया गया था मैकैले मिनट, जो कि 1835 में दिया था इन्होंने, ठीक है। 1831 में बात शुरू हुई थी और 1813 में बात शुरू हुई थी, बेसिकली 1835 में जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था लॉर्ड मैकैले ने। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया और उन्होंने बोला कि भाई अंग्रेजी तालीम ही सबसे बेस्ट है और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो बिल्कुल ही बेकार है, उनका ये सीधा कहना था, उनके ये अल्फाज थे, ठीक है, उनका ये कहना था। तो इन्होंने एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया और इस प्रेजेंटेशन को इनका भी सपोर्ट मिला, इनका भी सपोर्ट मिला। तो फाइनली 1835 में क्या हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन को एज अ सरकारी जबान वहाँ पर मंजूरी मिल गई। और अगर इसके बाद यानी कि 1835 के बाद से कोई भी लोग चाहता है कि उसे नौकरी मिले तो उसे ये चाहिए कि वो अंग्रेजी जबान को सीखे और उसमें महारत हासिल करे, बिना उसके उसे किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ तक ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग चाहते थे कि उनको जॉब मिले वो सीख रहे थे अंग्रेजी जबान, और इस तरीके से लॉर्ड मैकैले ने आकर के पूरा वो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट का, ठीक है, यहाँ तक ये हुआ। अब अगर इस बात को थोड़ा और डिटेल में हम समझें मैकैले मिनट को, तो यहाँ पर ये था कि ये वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करके कुछ इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते थे इंडियंस के अंदर, मतलब इंडियंस के अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट लाना चाहते थे कि वो बाहरी रूप से देखने में ऐसा लगे कि हाँ ये इंडियन है, बट अंदर से जो उसका कल्चर हो वो बिल्कुल एज अ अंग्रेज हो, मतलब अंग्रेज देखने में लगे कि वो एक अंग्रेज है, जैसे उनका उठना बैठना है वो सारे देखने में लगे अंग्रेज है, खाने पीने का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका, बोल चाल का तरीका, इन सब चीज़ों से ही कल्चर झलकता है। और ये सारी चीज़ें वो चाहते थे कि भाई ये सारी चीज़ें उनके अंदर वेस्टर्न हो, बाकी वो बाहरी रूप से इंडियन दिखे वो दिखेगा ही, सकल सूरत तो वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उन कल्चर चेंज करना चाहते थे और इस चीज़ में वो बहुत हद तक कामयाब भी हो पाए। और अगर हम आज के टाइम पे भी अपने आसपास देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई आज के टाइम पे भी वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेशन बना करके है लोगों के ऊपर, और लोग बेफजूल का मतलब सिर्फ झूठ मूठ की वाहवाही के लिए, झूठ मूठ अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए, बहुत कूल दिखाने के लिए वो इस तरीके का वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जो खुद उनके कल्चर को तबाह कर रही है और उनके कल्चर को तबाह करने के साथ साथ उनको भी बर्बाद कर रही है। तो ये टारगेट शुरू हुआ था बहुत पहले ही, 1835 में ही उसको मंजूरी मिली थी। और एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो मैकैले मिनट ब्राउन साहब क्रिएट करना चाहते थे, इसको हम लोग लिखते हैं ब्राउन साहब। अब ब्राउन साहब उनको बोलने का मतलब यही था कि इनको देखो हमारा जो रंग रूप है इंडियंस का, ठीक है, वो ना तो बहुत ज़्यादा गोरा है ना ही बहुत ज़्यादा काला है। हाँ, हमारे इंडियंस में कुछ ऐसे इलाके आते हैं जहाँ पर जो लोग हैं उनका जो रंग है वो बहुत ज़्यादा काला है, ठीक है, यहाँ मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, बस इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको जो है। लेकिन ओवरऑल एक एवरेज इंडियंस का अगर हम लुक देखेंगे तो जो रंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना पक्का रंग है वो है, तो इसीलिए उसको ब्राउन कलर का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, तो वो ब्राउन साहब क्रिएट करना चाहते थे। हम लोग जानते हैं वो लोग सफ़ेद साहब तो थे, सादा साहब वो लोग थे सादा साहब, लेकिन काम करके गए काफ़ी काला, और हमको बनाना चाहते थे ब्राउन, तो काफ़ी हद तक वो बना भी गए हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, लेकिन आप उन सब चीज़ों से बच करके रहें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर का कुछ बात, आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रखेंगे। तो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि क्या वो चाहते थे करना, वो कर चुके थे, ठीक है। अब इस अंग्रेजी एजुकेशन तरफ क्या हो रहा था कि भाई अंग्रेजी एजुकेशन लोग ले रहे थे, बस आज भी आप देखोगे अगर एजुकेशन सिस्टम को तो वो वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो 1835 में इस बंदे ने दिया था। अंग्रेज हिंदुस्तान से गए तो वो आज़ादी दे करके गए, वो अपना सारा चीज़ लेकर के गए, बस सिर्फ एक चीज़ वो छोड़ के चले गए, वो है उनका दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वही एजुकेशन सिस्टम अभी तक हम झेल रहे हैं। हालांकि 2020 में ये अनाउंसमेंट आया था कि नए एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और वो भी जो नया एजुकेशन सिस्टम है वो बोरो किया गया है अमेरिका से। ओवरऑल हम अगर बताएं तो घूम फिर के हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ही जा रहे हैं,
खैर अभी तक आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहीं हूँ, अभी तक उसमें किसी भी तरह का खास इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिला है पिछले 2 सालों में। उम्मीद है कि काफ़ी जल्द देखने को मिले तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उनका जो एजुकेशन सिस्टम था उसका बस इतना ही मोटिव था कि भाई उन्हें ऐसे इंसान पैदा करने हैं कि हम उसे जो काम बोले वो काम कर दे, हमसे ये सवाल ना पूछे कि भाई हम ये काम क्यों करें, क्या मिलेगा इस काम को करके, क्या मुझे डेवलपमेंट मिलेगा, ये सवाल करे ही ना बंदा, बस मैं जो बोलूँ वो काम वो कर दे। ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम वो लेकर के आए थे और वही एजुकेशन सिस्टम आज भी चल रहा है, जिसके वजह कर आज भी लोग बच्चे पढ़ लिख करके वो सिर्फ ऐसा ही बस नौकरी करने के लायक है, बस उनको काम दे दिया जाए वो कर देंगे। उनके अंदर किसी भी तरह का अगर आप इनोवेशन की बात करेंगे तो भाई जिक्र ही नहीं। और उसमें इस बच्चे की भी कोई गलती नहीं, क्यों ये घंटा एजुकेशन सिस्टम उन्हें कुछ बताया गया ना, हमें बताया गया, तो हम क्या कर सकते इसमें। तो इसके खिलाफ़ हमें खुद अकेले ही जंग लड़नी पड़ेगी हम सबको मिल करके, और हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बढ़ेंगे नहीं आगे। हमें पढ़ करके एजुकेशन सिस्टम के अंदर घुसना होगा, देन जा करके हम इस एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं, वरना जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि हम अकेले भाई नहीं बदल सकते, ये पूरा सिस्टम बदलना गवर्नमेंट के हाथ में, तो हमें गवर्नमेंट के अंदर घुसना होगा। गवर्नमेंट के अंदर घुसने के लिए हमें पढ़ करके घुसना होगा, क्योंकि हम झूठ बोल करके चोरी चमारी करके किसी को मार पीट के नहीं घुस सकते, क्योंकि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, वो किसी और लोगों का काम है। ठीक है, तो खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वरना ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि इस पर बात बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप समझिए उनका जो टारगेट था एक तरीके से गधा को क्रिएट करना है कि गधा हम बना देते हैं, बस भाई बोझ देना है, वो ढो के चलाएगा बिना सवाल के, खाना तो 2 वक्त का खा रहा है, चुप से काम कर रहा है, वो कर चुके थे अपना। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे किस तरीके से ये जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम था इम्प्रूवमेंट हुआ इसमें, यानी किस तरीके से इसको और ज़्यादा आपका फर्नराइज किया गया, बड़े तरीके से किस तरीके से पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसने अपना कब्जा जमाया। खैर इस चीज़ को मैं देखेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, टेक केयर, टिल देन गुड बाय।